हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने कुछ HTML लैंग्वेज के अंदर यूज़ किए जाने वाले स्पेशल पर्पस टैग्स या फिर फेस टैग्स देखे। तो इस वीडियो में हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, उसी वीडियो का सेकंड पार्ट बनाते हुए हम देखने जा रहे हैं HTML लैंग्वेज के अंदर यूज़ किए जाने वाले कुछ आगे के स्पेशल पर्पस टैग्स। तो मैं हूँ वेदांत और आप देख रहे हैं RVS ट्यूटोरियल। तो बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो अगला टैग देखने वाले हैं वो है, एक्चुअली टैग ना बोलते हुए हम इसे कंसेप्ट कह सकते हैं, वो है कोटिंग टेक्स्ट। अब हमारे वेब पेज को हम जब बनाते हैं तो हमें बहुत बार हमारा जो कंटेंट है वो कुछ अलग बुक से या फिर कुछ अलग वेबसाइट से या किसी अलग सोर्स से इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारे वेबसाइट पे कॉपीराइट इश्यू ना आए इसलिए हमें उसका सोर्स या फिर उसके ऑथर की डिटेल उन्हें कॉपीराइट करनी पड़ती है या फिर उन्हें देनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे उस चीज़ के लिए जो टैग यूज़ करने वाले वो है ब्लॉक कोड टैग। अब ब्लॉक कोड टैग एक पेयर टैग है और एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट होने की वजह से यहाँ पे जो मेन दो डिफरेंस आते हैं वो है, पहला डिफरेंस तो ये है कि हमारे जो कंटेंट है उसके ऊपर और नीचे एक लाइन ब्लैंक छोड़ दी जाती है हमारे वेब पेज की तरफ। और सेकंड डिफरेंस ये आता है कि हम जो कंटेंट लिखते हैं उसके लेफ्ट साइड में एक चार स्पेस का, हम जैसे टैब कह सकते हैं या फिर एक नॉर्मल मार्जिन आ जाती है। तो हम इसका यूज़ देख लेते हैं। हम इसका यूज़ देखने से पहले हम लेंगे कुछ कंटेंट हमारे ई बाल भारती के वेबसाइट के ऊपर से। अब हमने ई बाल भारती के वेबसाइट के ऊपर से ये कुछ कंटेंट जो है इसे कॉपी कर लिया है। अब ये कंटेंट हम यहाँ पे एक हमारा जो टैग है जो कि हम टेक्स्ट को कोट करने के लिए यूज़ करते हैं वो है ब्लॉक कोड टैग। अब हम यहाँ पे ब्लॉक कोड टैग ले लेते हैं। अब इस ब्लॉक कोड टैग का एक सिंपल एट्रीब्यूट है वो है साइट। अब साइट एट्रीब्यूट का क्या यूज़ है, साइट एट्रीब्यूट के अंदर अगर हमने हमारा कुछ कंटेंट किसी वेबसाइट से लिया है तो उस वेबसाइट के हम यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। अब ये साइट एक एट्रीब्यूट भी है और एक टैग भी है। अगर हम इसके नीचे एक ब्लॉक टैग, ब्लॉक कोड टैग के नीचे एक साइट नाम का टैग ले लेते हैं, उस टैग के अंदर हम ऑथर का नाम एटसेट्रा इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। अगर हम साइट एट्रीब्यूट लेंगे तो उसके अंदर हम हमने जिस सोर्स से या फिर जिस वेबसाइट से हमारा कंटेंट लिया है उस वेबसाइट के हम एड्रेस या फिर लिंक डाल सकते हैं। अब आपको पता है हमने इस ebalbharti.in इस वेबसाइट से हमारा पूरा कंटेंट लिया है। तो यहाँ पे मैं साइट एट्रीब्यूट देंगे उसके अंदर हमारे वेबसाइट की लिंक डाल देता हूँ। अब लिंक जब हमने पेस्ट कर दी तो हम यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है उसे फिर से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारे इस जो वेबसाइट का आउटपुट है वहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है उसके ऊपर और नीचे एक लाइन का गैप छोड़ा गया है और उस हमारे जो कंटेंट के लेफ्ट साइड में मार्जिन भी दी गई है। तो ये इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ब्लॉक कोड टैग के ऊपर से। अब ब्लॉक कोड टैग का हमें डायरेक्ट इफेक्ट तो यहाँ पे नहीं दिखेगा कि हमने यहाँ पे अगर माउस भी ले जाए तो किस सोर्स से ली गई है वेबसाइट, हमारा जो है कंटेंट वगैरह है वो हमें नहीं दिखाई देगा। लेकिन हम जब हमारा वेबसाइट का SEO के जरिए इंस्पेक्शन होगा तब आपको वो डिफरेंस जरूर दिखाई देगा। अब एक्चुअली इसके आगे का जो टैग है स्पेशल पर्पस टैग वो है क्यू टैग। अब क्यू टैग हमारे वेब पे हमारे जो कंटेंट है उसे कोटेशन के अंदर यूज करना, कोटेशन के अंदर लिखने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन हम उस कोड टैग को हमारे ब्लॉक कोड टैग के अंदर ही देखेंगे। अब ब्लॉक कोड टैग के अंदर हमें अगर हमारे कुछ टेक्स्ट को एक स्पेशल इफेक्ट ऐड करना है या फिर एक टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाना है तो हम उसे हमारे क्यू टैग के अंदर लिख सकते हैं। अब क्यू टैग काम करता है सिर्फ हमारे डबल कोड देने का। तो आप यहाँ पे आउटपुट में देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वो डबल कोटेशन के अंदर लिखा गया है। तो ये काम है हमारे क्यू टैग का। अब हम यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टैग देखने वाले हैं वो है कोड टैग। अब बहुत बार हमें ज़रूरत ये पड़ती है कि हमारा जो वेब पेज है उसके अंदर हमें कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड इंसर्ट करना पड़ता है या फिर जावास्क्रिप्ट का कोड हमें हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले करना पड़ता है। अगर हम उसे नॉर्मली हमारे कोड के अंदर या फिर बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे तो उसका इफेक्ट हमारे वेब पेज पे दिखेगा। लेकिन हमें अगर वो डायरेक्ट कोड ही दिखाना है तो हम उसे कोड टैग के अंदर लिख सकते हैं। तो हम ये कैसे करते हैं हम इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं।
अब आप यहाँ पे हमारे कोड के अंदर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे CSS का कुछ कोड इंसर्ट किया हुआ है। अब अगर हम इसे कोड टैग के बाहर लिखेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई की जाएगी। हालांकि ये हमने इनलाइन हमें इंटरनल तरीके से लिखा है कोड, जिसका इफेक्ट हमारे वेबसाइट पे कुछ खास नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे कुछ CSS का कोड इंसर्ट कर लिया है। तो हम जब इसे कोड टैग के अंदर लिखेंगे तो आप यहाँ पे आउटपुट में देख पा रहे होंगे ये कोड हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब एक सिंपल लाइन से आया है क्योंकि यहाँ पे हमने br टैग का यूज नहीं किया है। अब हम यहाँ पे एक और टैग इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, वो है प्री टैग। अब प्री टैग का यूज क्या होता है, वो हमारे जो कोड है, हमारे जो टेक्स्ट है, उसे एज इट इज हमारे वेब पेज पे शो करता है। अब अगर मैंने ये जो हमारा पूरा कोड टैग का जो कंटेंट या फिर पूरा कोड टैग कोड एलिमेंट जो है वो मैंने अगर प्री टैग के अंदर ले लिया, तो आप इसका यूज देख पा रहे होंगे। पहले हमारा जो कंटेंट था, ये कोड था, एक लाइन में आ रहा था, लेकिन अब जब हम देखेंगे तो हमारा कोड एक सिंपल हमने जैसे लिखा है वैसे ही हमारे वेब पेज पे इंसर्ट हो रहा है। अब इसके अलाइनमेंट एक्सेट्रा चीजें हम यहाँ पे हमारे CSS का यूज करके भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले जो स्पेसेस हमें दिख रहे हैं वो किस चीज का इफेक्ट है, क्योंकि हमने कोड लिखते समय यहाँ पे पीछे स्पेसेस दे रखे। अगर हम यहाँ पे सभी ये स्पेसेस हटा दे तो हम इसका आउटपुट भी देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे हर किसी हमारे जो टैग की हर कोई लाइन है उसे उसके पीछे के सारे स्पेसेस हटा दिए, तो हम यहाँ पे आउटपुट में भी देख पा रहे होंगे हमारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट को अलाइन हो गया है। तो प्री टैग का यूज बस इतना होता है कि हमारे जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वो चेंज ना करेगा, क्योंकि br टैग हमें वो उसका यूज बार बार अगर करने की जरूरत ना पड़े, तो इस प्रकार से हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर सकते हैं। अब हमारा जो कोड टैग है उसका आप आउटपुट जब देख पा रहे होंगे तो हम ये टेक्स्ट मोनोस्पेस फॉर्मेटिंग में यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। अब मोनोस्पेस फॉर्मेटिंग मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर टेक्स्ट की साइज यहाँ पे, हर लेटर की साइज विड्थ जो है वो इक्वल होती है। आप यहाँ पे यल लेटर की भी विड्थ चेक कर सकते हैं और यन लेटर की भी। ये दोनों लेटर की नॉर्मली विड्थ अलग होती है, लेकिन मोनोस्पेस फॉन्ट में इन दोनों लेटर की विड्थ सेम हो जाती है। अब हम यहाँ पे जो अगला टैग देखने वाले हैं वो है कीबोर्ड टैग। हमारा जो कीबोर्ड टैग है वो एक KBD इस लेटर से इंडिकेट किया जाता है। अब कि इस टैग का यूज क्या है, ये टैग बस हमें ये बात दिखाता है कि हमने कोई टेक्स्ट जो है वो डायरेक्टली कीबोर्ड से इनपुट किया हुआ है, या फिर हम जब कोई शॉर्टकट्स वगैरह दे रहे हैं, जैसे कंट्रोल एस सेव के लिए शॉर्टकट होता है, वो शॉर्टकट्स जब हम हमारे वेब पेज पे इंसर्ट कर रहे हैं या फिर वो पूरी लाइन लिख रहे हैं, तो KBD टैग का यूज करना एक आइडियल सिचुएशन में यूजफुल होता है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लाइन लिख रहे हैं टू सेव द फाइल कंट्रोल प्लस एस लेटर क्यों एस इज यूज्ड। अब यहाँ पे हमारे जो कंट्रोल और एस है हमें इसे कुछ स्पेशल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। अब आप यहाँ पे नॉर्मली देख पा रहे होंगे हमारा जो कंटेंट है वो नॉर्मल दिख रहा है आपको, कंट्रोल प्लस एस एस है, लेकिन हम जब इसे KBD टैग के अंदर लिखते हैं तो आप यहाँ पे हमारे वेब पेज पे डिफरेंस देख सकेंगे। अब KBD टैग के अंदर मैंने अपना जो कंट्रोल वर्ड है वो ले लिया है। अब आप आउटपुट में डिफरेंस देख पा रहे होंगे, हमारा जो कंट्रोल वर्ड मैंने लिया था उसे मोनोस्पेस फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है, तो ये डिफरेंस पड़ता है हमारा KBD टैग यूज करने से। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टैग देखने वाले है वो है एड्रेस टैग। अब एड्रेस टैग का यूज क्या होता है, एड्रेस टैग का यूज हमारे जो वेब पेज पर हमें अगर कोई कॉन्टैक्ट डिटेल देनी होगी, अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो बिजनेस के हमें कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे वेब पेज पे इंसर्ट करने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो कॉन्टैक्ट डिटेल देने के लिए हम आइडियली एड्रेस टैग का यूज करते हैं। अब एड्रेस टैग यूज ना करते हुए हम डायरेक्टली फॉर्मेटिंग करके भी हमारा जो एड्रेस है वो लिख सकते हैं, लेकिन अब एड्रेस टैग का यूज ये होता है कि अगर आपका आपके बिजनेस की वेबसाइट आपने बनाई है और कोई यूजर अगर आपके बिजनेस का एड्रेस, अगर आपकी शॉप की एड्रेस सर्च कर रहा है, तो हमारा जो गूगल जो होता है वो हमारे एड्रेस को डायरेक्टली उसे शो कर देगा, क्योंकि वो SEO के जरिए जब इंस्पेक्शन होता है तब वो उसे खोज लेता है कि हमारे वेबसाइट का यानी हमारे बिजनेस का जो एड्रेस है वो हमने वो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में हमें दिया हुआ है। तो एड्रेस टैग का अगर यूज करने की बात करें तो एक स्पेशल नोट भी है या फिर एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा
कि हमारा एड्रेस टैग नॉर्मली अगर आपने फुटर बोल के एक टैग जो होता है वो हम आगे देखने वाले हैं, वो अगर आपने लिया हुआ है तो उस फुटर टैग के अंदर एड्रेस टैग का यूज करना एक आइडियल सिचुएशन मानी जाती है। तो हम यहाँ पे हमारे एड्रेस टैग का यूज देख लेते हैं। अब यहाँ पे एड्रेस टैग के अंदर मैं पहले अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, यहाँ पे मैं अपना कोई भी रैंडम मोबाइल नंबर डाल दूंगा। फिर मैं अपना एड्रेस कुछ तो एक्स वाई जेड बोल के डाल दूंगा। फिर यहाँ पे अपनी स्टेट महाराष्ट्र डाल दूंगा। ये तीन लाइन यहाँ पे सफिशियंट है। अब इसका जो आउटपुट है वो उस आउटपुट में हमें ये सारी जो लाइन है वो एक लाइन में दिखेंगी, क्योंकि ना तो हमने यहाँ पे प्री टैग का यूज किया है ना ही बीआर टैग का। अब हमारा जो पूरा कंटेंट है वो अगर हमें यहाँ पे दो तीन बार हमारा बीआर टैग यूज करने की जरूरत पड़ेगी, वो हमें अगर यूज करना इग्नोर करना है या फिर हमें उसके कुछ सिंपल वे चाहिए वो यूज करने का, तो हम यहाँ पे नॉर्मली प्री टैग यूज कर सकते हैं। तो प्री टैग के अंदर जब हम ये कंटेंट लिखेंगे तो आप यहाँ पे आउटपुट में देख पा रहे होंगे हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड ये थे हमारे कुछ स्पेशल पर्पस टैग्स या फिर हम जिन्हें फ्रेज टैग्स कह के भी जानते हैं। तो इसके अगले वीडियो में हम HTML से जुड़े हुए अब कुछ इम्पोर्टेंट टैग जो कि हमारे वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने में या फिर वेब पेज को हमारे कुछ थोड़ा सा डायनामिक लुक देने में हेल्प करेंगे, वो इम्पोर्टेंट टैग देखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे इस HTML की वीडियो की सीरीज पर। तब तक के लिए थैंक यू।